बाटू केव जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है मुंडन के लिए, जहाँ पे मुंडन संस्कार होते हैं। और हम लोग की तरफ जो है मुंडन बच्चों का या तो वो एक साल में कराते हैं या तीन साल में या तो पांचवे साल में कराते हैं। और एक साल में जब रिमन छोटा था तो उसके बाल बहुत ही ज्यादा कम थे, हमने सोचा ही नहीं था कि इसका मुंडन करेंगे। और जब वो तीन साल का हुआ तो कोविड आ गया, इस वजह से हम नहीं कर पाए थे। और अभी रिमन का पांचवा साल लगा है तो हमने सोचा अभी परफेक्ट टाइम है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो हमने सोचा अभी इसका मुंडन करा ही देते हैं क्योंकि अभी हम लोग इंडिया जा ही नहीं पा रहे हैं। सो बेटर रहेगा कि अभी हम लोग इसका मुंडन करा दें। सो अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो रहे हैं और रिमन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उसके बाल कब कट जाएं। वो सुबह से कह रहा है मम्मा मुझे जल्दी से कपड़े पहनाओ, जल्दी चलते हैं टेम्पल, अंकल मेरे बाल कट करेंगे और मैं बेबी बॉस के जैसा दिखूंगा। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, अभी तो देखो वो बहुत ज्यादा खुश है कि वहां पे जाके रोने वाला नहीं है। तो हम लोग भी बहुत ही काम डाउन है और थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है कि बेचारे का बाल चला जाएगा, इतने प्यारे प्यारे जो उसकी कर्ली बाल है। तो जल्दी से मंदिर चलते हैं और वहां मैं आप लोग को मिलती हूं। रिमन आर यू एक्साइटेड? रिमन टकलू बन जाएगा, बेबी बॉस। यस बेबी बॉस लगेगा रिमन तो। रोएगा तू नहीं? नो मामा। बट मम्मा तो रोएगी रिमन, हेयर कट जाएगा तो टकलू बन जाएगा। रिमन तो बहुत हैप्पी। क्या कह रहा है? टकलू बन जाएगा। मैंने पहली बार देखा बच्चा इतना एक्साइटेड हो अपने बाल कटवाने के लिए। अभी पता नहीं ना क्या होता है। तो आज के दिन इसके हमने बाल बांधे नहीं है, बालों को भी आजाद कर दिया है। Who is the father of Ram? Dashrath. Yes. Ram's brother name is Lakshman. And what is Ram's wife's name? And Ram's father is Master. And Master said, I want to wear marriage. And Ram. Yes. And what was the monster name? Raman. Raman, yes. Monster. Daddy Raman is shooting and Shumbanta shooting Raman and Raman face. And Raman has some face. Supanka, yes. Raman has 10 faces. And Supanka, nose cut by Lakshman. And Raman found out Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Yes, everyone is bursting crackers because everyone is so happy. Ram came back to Ayodhya. कि आप लोग पीछे देख ही रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। बाटू जो है एक मलय वर्ड है, बाटू का मतलब होता है रॉक्स। और ये जो मंदिर है मेनली यहाँ पे मुर्गन देवता की पूजा होती है, जो कि आप इनका स्टैचू देख रहे होंगे। ये 140 फीट ऊंची है इसकी लंबाई है, पूरा लाइमस्टोन का बना हुआ एक गुफा है जिसके अंदर हमें सीढ़ियों के थ्रू जाना है। ये जो आपको कलरफुल सीढ़ियाँ दिख रही है इनको चढ़ते हुए जाना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे रिमन का मुंडन कराने के लिए, जो कि हेयर कट होगा नीचे ही, तो पहले वहाँ जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं और ये वो जगह है जहाँ पे हेयर कट होता है। शूर्पकर्णाय नमः।
गौरी हर को चलिए गुड़ लड्डू शाही सुरवर को महिमा कहीं न जाए लाग तो पद को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव लाल सुकुमार हवे पुतरी हमार हवे लाल सुकुमार हवे पुतरी हमार हवे लाल सुकुमार हवे पुतरी हमार हवे होख नहीं दे हब तो हर गाटा नेक पद ले ला चाहे जेता नाए ना ठाकुर केसिया तू धीरे धीरे का नेक पद ले ला चाहे जेता नाए ना उठा कोई किसिया तो धीरे धीरे कारा बाबा के दुलरुआ आज के सुगनावा हमारे ललनावा हो हमारे ललनावा कभी है इन्होंने रिमन को एक बहुत अच्छा हेयर लुक दिया है ट्राई कर दो बेबी मैं स्माइल कर दूं बाबा के दुलरुआ आज के सुगनावा हमारे ललनावा हो हमारे ललनावा ये है हमारा ब्रेव बॉय थोड़ा भी हीरो है शॉप देख लिए तो और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर में मुंडन के बाद और रेमन को तो विजन को पकड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही और कहीं जा ही नहीं रहे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं तो यहाँ पे जो भी अगर शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे ये लोग एक क्लोथ्स देते हैं जिनको रैप करना होता है और उसके बाद ही ये लोग अंदर अलाउ करते हैं जाने के लिए और ये देखो रिमन को भागते हुए जा रहा है यहाँ पर चलते चलते ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते देखते टाइम पास हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कब मंदिर आ गया हाथी यहाँ से कैसा दिख रहा है रिमन खुद से चल के आया कि तुम लेके आए गोदी में लेके आया पूरा खुद चढ़ा है क्या बात कर रहे हो टायर भी नहीं हुआ है गोदी में भी नहीं सच्ची में रिमन खुद चढ़ा है
इसको ज्यादा दर्शन करने का था, कहीं रुका भी नहीं, एकदम भागे आ रहा था। हाँ, इसीलिए इसके गाल एकदम लाल हो गए। भाग भाग क्या आ रहा था? अभी लॉलीपॉप खाएगा, फिर इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, फिर और अंदर जाएगा। ये बारिश हो रही है या पानी ऐसे ही गिर रहा है? बारिश हुई होगी, ऊपर पानी अपना वही। ओ, यहाँ हल्का हल्का ऐसे गिरता रहता है। अच्छा, नीचे सीढ़ी चढ़ के आओ ना, तो कितनी गर्मी हो रही थी, और जैसे ही अंदर आओ ऐसा लग रहा है एसी चल रहा हो, जो कि बिल्कुल भी एसी नहीं कहीं है। बहुत ही ठंडा है पूरा ये। रिमन जो है पूरा वैष्णो देवी चढ़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका है ना। अब इसको गोदी नहीं लेना पड़ेगा रिमन को, है ना, अपने से चढ़ जाएगा। Yes. अब वैष्णो देवी जाएगा। इधर देखो, इधर मम्मा को देखो, ये तो पिजन के पीछे ही पड़ गए। अंदर कुछ इस तरीके से है, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, लग रहा है जैसे एकदम एसी हो, और बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है अभी इतनी सीढ़ी चढ़ने के बाद जो है। फाइनली हम लोग मंदिर में आ चुके हैं, और रिमन तो मतलब घर से जैसे ही उसका था ना अंदर से कि मंदिर जाना है, बाल कटवाना है, और जल्दी जल्दी इसने बाल कटवाए बिना रोए, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और अब मंदिर भी सीढ़ियाँ देखो अपने से चढ़ के आया पूरा। और चढ़ के आ रहे हैं, और यहाँ पे आरती हो रही है पूरी, और सही टाइम पे पहुँच गए हम लोग। जल्दी से अंदर चलते हैं और आरती ले लेते हैं हम लोग भी। डेकोरेट किया हुआ है, और अंदर आरती हो चुकी थी, और फिर हमने आरती ले ली है, लास्ट में पहुँचे थे हम लोग। हमने तो पूरे दर्शन वगैरह कर लिए हैं, बट रिमन को बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है,
क्योंकि इसको पिजन उड़ाना है और हमने भी इसको छोड़ दिया एंजॉय करने के लिए कि आज के दिन ये पूरा एंजॉय कर ले। अभी अपने से शूज़ पहन रहा था, पहनने की कोशिश कर रहा था, जैसे से मुंडन हुआ ये सारी बड़ों वाली हरकतें कर रहा है और ये टच कर रहा है टोपी पहनने जा रहा था, सोच रहा इसमें लगा क्या है, छी मेरे हेड पे क्या लगा। दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं घर, बड़े ही आराम से दर्शन हुए और यहाँ पर हमेशा धूप रहती है और अभी बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, थोड़ी देर पहले आई थिंक बारिश हुई है ना फिर और रिमझिम सी हो ही रही है और इस टाइम पे हम तो फील कर रहे हैं। रीमन को क्या हंसी आ रही है, रीमन को बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के नीचे उतरने में। सो बाटू केव के बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा, और बाहर से भी देखो इस तरह से है केव। सभी हम लोग जा रहे हैं बर्ड्स देखने, रिवर को पैरेट देखना है। बहुत ही अच्छी तरीके से आज रिमन का मुंडन संस्कार हो चुका है 5 नवंबर को और ये वीडियो और हम यहाँ पे सब कुछ हो गया बहुत अच्छी तरीके से, सब कुछ था बट हमें बस फैमिली ही नहीं थी, उसी की कमी थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे घर के लोग देख सकें और मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और रिमन को अपना आशीर्वाद दें कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। सो आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्द ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।